गाजा युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में जो आग भड़की थी अब वो एक ज्वालामुखी की तरह धधक रही है और पूरा मिडिल ईस्ट इस ज्वालामुखी में झुलस सकता है। वो इसलिए क्योंकि पहले तो इजराइल सिर्फ हमास और हिजबुल्ला से लड़ रहा था, लेकिन अब यमन का हूती लगातार इस आग को भड़काने में लगा है। हूती पिछले एक साल से लगातार लाल सागर और इजराइल के भीतर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती के हथियारों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन उसके बाद भी हूती के हमले बदस्तूर जारी हैं। और अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से तेल अविव पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। हूती ने तेल अविव पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने खुद इस हमले की जानकारी दी है। याया सारी का कहना है कि हूती के लड़ाकों ने तेल अविव में एक मिलिट्री टारगेट पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की और ये मिसाइल इसराइल और अमेरिका के सभी एयर डिफेंस को भेदते हुए टारगेट पर जाकर लगी है। نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2 وقد نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के मीडिया ने भी इस तरह की कोई खबर नहीं दी है जिसमें इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की बात कही गई हो, और इस हमले की वजह से तेल अविव में 22 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 7:45 पर हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। हालांकि इजरायली मीडिया ने ये जरूर कहा है कि लेबनान में हिजबुल्ला की तरफ से गाइडेड रॉकेट दागे गए हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 18 अक्टूबर 2024 को हूती ने अरब सागर में मेगालापोलिस जहाज पर कई ड्रोन हमले किए थे, और इस हमले के बाद हूती ने कहा था कि उसने इस हमले में अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। हूती के मुताबिक इस जहाज ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह में प्रवेश करने पर लगे बैन का उल्लंघन किया था। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हूती ने लाल सागर में 130 से ज्यादा हमले किए हैं। बड़ी बात यह है कि हूती के हमले से पहले लाल सागर भूमध्य सागर से दुनिया का करीब 10-15% वैश्विक व्यापार होता था, जो अब पूरी तरह से ठप हो गया है, और अब शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को दक्षिण अफ्रीका होते हुए भेज रही हैं, और ये रूट काफी लंबा और खर्चीला भी है। और ये हूती के हमलों का ही असर है कि पिछले साल अक्टूबर 2023 में स्वेज नहर से जहां रोजाना जहाजों की आवाजाही की संख्या औसतन 80 थी, वही अब घटकर सिर्फ 29 रह गई है। ये जानकारी पोर्ट वॉच डेटाबेस से मिली है, जिसे IMF और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक साथ मिलकर चलाते हैं। और इसी अवधि के दौरान यानी पिछले साल अक्टूबर में इसी रूट पर रोजाना 48.9 लाख मीट्रिक टन का व्यापार होता था, जो अब घटकर मात्र 13.6 लाख मीट्रिक टन रह गया है। जानकारों का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप रूट पर जहाजों को 10 से 14 दिन का अतिरिक्त समय लगता है, जिसकी वजह से माल ढुलाई की कीमत पिछले साल से करीब 3 गुना तक बढ़ चुकी है, और रूट में बदलाव करने से सिर्फ एक चक्कर में $10 लाख का अतिरिक्त ईंधन ही खर्च हो जाता है।